अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज सुबह का मैं आपको, मेरे साथ हुआ एक वाकया आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज सुबह जब मैं गार्डन से वॉकिंग करके वापस अपने घर आ रहा था, तो जैसे ही गार्डन से बाहर मैं निकला तो एक माँ बेटी बुरके में, जैसे मेरा इंतजार ही वो कर रहे थे, मुझे देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई बरसों से उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। मुझे देखकर उन्होंने बे इंतहा खुशी का इजहार किया और कहने लगी कि हम आपको टिकटॉक से फॉलो करते हैं और अब यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी आपके वीडियोस देखते रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सीखने को मिलता है, वगैरह वगैरह, जैसे लोग मोहब्बत का आमतौर पर मिलने के बाद इजहार करते हैं। मैंने जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया कहा। कहने लगी कि जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि आप रोज़ाना यहाँ गार्डन में वॉकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, तो हमने सोचा कि आपसे यही मुलाकात हो सकती है, इसलिए हम 45 मिनट से आपका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ़ उठाई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारा एक मसला है, वो आपको बताना चाहते हैं, जिसका हल आप ही कर सकते हैं या आप उसका हल बता सकते हैं। बातचीत से मुझे ज़रा पढ़े लिखे और डिसेंट दोनों माँ बेटी लग रहे थे। मैंने कहा ठीक है बताइए, क्योंकि मेरा भी कोई ऑफिस वगैरह है नहीं, मैं सारा काम घर से ही करता हूँ, मेरा बेडरूम ही मेरा स्टूडियो है, तो मेरा कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है। मेरा इरादा है लेकिन अभी तक कोई ऑफिस नहीं है, तो जब भी कोई मिलने के लिए आता है तो मैं ऐसे ही सोसाइटी के बाहर आ जाता हूँ, किसी गेट पर आकर मिल लेता हूँ या किसी होटल में जाकर बैठकर बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल मेरा कोई ऐसा यानी ऑफिशियल ऑफिस नहीं है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला एक ऑफिस का इंतज़ाम कर दें ताकि मैं बैठकर वहाँ लोगों को वक्त देकर उनसे मिल सकूँ और उनके जो भी काउंसलिंग होती है या जो भी उनके मसाइल होते हैं उनको सुन सकूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे अपना मसला बताइए लेकिन ज़रा शॉर्टकट में बताइए, मुद्दे की बात आप बताइए, क्योंकि औरतों की अक्सर आदत ये होती है कि वो एकदम शुरू से शुरू करते हैं, हालांकि उसमें यानी वो 5 मिनट की बात आधे घंटे में समझाती है, हालांकि अगर वो मुद्दे की बात बता दे तो अभी इतना एक्सपीरियंस और इतना तजुर्बा हो चुका होता है कि बस एक दाना देख कर पूरी देख का अंदाज़ा हम लगा लेते हैं। मैंने कहा आप सिर्फ मुद्दे की बात बताइए कि आपका आखिर मसला क्या है, क्योंकि रोड पर खड़े होकर इतनी देर हम आपका मसला नहीं सुन सकते। तो कहने लगी कि ठीक है, मैं शॉर्टकट में और मुद्दे की बात आपको बताती हूँ। कहने लगी कि ये यानी लड़की की माँ कहने लगी कि ये मेरी बेटी है, इसके शादी को 3.5-4 साल हो गए, एक बच्चा भी है और पिछले 6-8 महीने से इनका झगड़ा चल रहा है। वजह उसकी यह है कि मेरी बेटी के ससुराल में टोटल 11 लोग हैं, जैसे सास ससुर, 5 नंदे जिसमें 2 की तलाक हो गई है, वो घर बैठी है, उनके 2-2 बच्चे ऐसे वगैरह, सब मिलाकर टोटल 11 लोग हैं और घर के सारे काम का जो बोझ है वो मेरी बेटी के ऊपर है, यानी घर की बहू के ऊपर है, यानी 70-80% काम का बोझ मेरी बेटी के ऊपर डाला हुआ है, मेरी बेटी के जिम्मे आया हुआ है। मेरी बेटी 3-4 सालों से वो सारे काम घर के कर भी रही थी, लेकिन मिफ्ताही साहब अब उसका बच्चा हो गया है, अब बच्चे की परवरिश करते हुए उसे घर का काम करने के लिए उतना वक्त नहीं मिलता जितना पहले मिलता था। अब मां को खामोश करके बेटी कहने लगी कि मिफ्ताही साहब इस बात को लेकर मेरे ससुराल में कयामत बरपा है, नंदों ने दंगा फसाद मचा के रखा है और मेरी सास इतनी तेज है जैसी कोई मिसाइल। कहने लगी कि मेरी सास के सामने ना ससुर की चलती है, ना उसकी बहू की यानी मेरी, ना मेरे शौहर की चलती है। जब मैं अपनी मजबूरी अपने शौहर को बताती हूं कि देखिए अब बच्चे की वजह से मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती, अपनी मां बहनों को जरा समझाए, लेकिन शौहर के कान पर जू तक नहीं रेंगती, वो ये कहकर राह फरार इख्तियार करते हैं कि मां को मैं कैसे कह सकता हूं, मां को मैं हुक्म नहीं दे सकता, मां को तो उफ कहने का भी हुक्म कुरान में नहीं है।
माँ की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है, और ना मैं माँ को नाराज कर सकता हूं ना मैं अल्लाह को नाराज कर सकता हूं। इसलिए तुम एडजस्ट करो, जो चल रहा है चलने दो, कोई ना कोई रास्ता आगे निकल जाएगा। अब मेरी बेटी यानी माँ कहने लगी, अभी माँ कहने लगी कि अब मेरी बेटी की सिर्फ इतनी डिमांड है कि मैं अपने बच्चे को लेकर अलग रहना चाहती हूं, क्योंकि अब बहुत सहकर मेरी बेटी ने देख लिया, हम भी उसके मसाइल बहुत दिनों से सुन रहे हैं, क्योंकि कोई भी ना शौहर साथ दे रहा है, ना सास, ना ससुर, ना नंदे, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मेरी यानी बच्ची को भी तकलीफ हो रही है और मेरी नवासी को भी तकलीफ हो रही है, और इस मसले का कोई हल नहीं निकाल रहा है। एक शौहर से उम्मीद थी तो उसने भी पल्ला झाड़ दिया। माँ ने कहा कि मेरी बेटी ये डिमांड इसलिए कर रही है, यानी अलहदा घर की मांग इसलिए कर रही है, ताकि वो अपने बच्चे की परवरिश ढंग से कर सके और अपने शौहर को भी भरपूर प्यार दे सके। अब आप बताइए कि मेरी बेटी की ये डिमांड शरीयत के एतबार से, दुनिया के एतबार से सही है या गलत। इस बात को लेकर इसके ससुराल में एक लंबा झगड़ा चल रहा है, घमासान मचा हुआ है, और इसके शौहर का कहना है, यानी मेरी बेटी के शौहर का कहना है कि मैं तलाक दे दूंगा लेकिन मैं माँ बाप को नाराज नहीं कर सकता, खास करके माँ को नाराज नहीं कर सकता। फिर वो दोनों कहने लगे कि मिफ्ताही साहब, आप ऐसा कोई वीडियो बनाइए कि जिस वीडियो को हम उनको फॉरवर्ड कर सके, ताकि उनको बात समझ में आए, क्योंकि वो भी आपको फॉलो करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं। हालांकि देखिए, मैं हमेशा दोनों साइड की बात सुनता हूँ, तभी कोई अपनी राय कायम करता हूँ। वन साइड बात सुन के मैं कोई अपनी राय नहीं देता हूँ। लेकिन अगर इनकी बातें सुनकर, इनके मैटर को आप थोड़ी देर के लिए अलग रखिए, लेकिन अगर ऐसी हालत किसी मर्द की हो जाए, किसी शौहर की, किसी हस्बैंड की, किसी पति की हो जाए कि वो माँ को चुने या बीवी को, तो ऐसे वक्त में शरीय एतबार से उसको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले लड़की को निकाह के वक्त ये पता रहता है कि उसके ससुराल में कितने लोग हैं और इसको उन्हीं के साथ रहना है। ऐसा तो नहीं है कि लड़की को कुछ मालूम नहीं था या कुछ नहीं मालूम होता है और अचानक उसको वहां जाके पता चलता है कि अरे, इतने लोगों के साथ मुझे रहना है। ऐसा कभी नहीं होता। आने वाली दुल्हन को सब पता होता है कि उसको ससुराल में ज्वाइंट फैमिली में रहना है, और ये बात लड़की के माँ बाप को भी पता होती है। आने वाली जो दुल्हन होती है, आने वाली जो बीवी, आने वाली बहू जो होती है, वो सारी बातों को ध्यान में रखकर ही निकाह को उसने कबूल किया हुआ होता है, उसको एक्सेप्ट होता है कि वो सबके साथ रहेगी। अब मैं उस बहू से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां चंद बर्तन साथ होते हैं तो वहां आवाज होती ही है, तो उस बहू को चाहिए कि थोड़ा सा सब्र से काम ले, थोड़ी हिम्मत से काम ले, थोड़ा हौसले से काम ले। चंद महीने लगेंगे या चंद दिन लगेंगे या एक दो साल लगेंगे सबको घुलने मिलने में, एक दूसरे के मिजाज को समझने में, एक दूसरे में सेटल्ड होने में। इसलिए अपने आप को भी थोड़ा वक्त दे और ससुराल वालों को भी थोड़ा वक्त दे। बहुत सारी जगह पर देखा गया है कि पहले 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 साल दो साल में हालात बहुत खराब होते हैं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो ही जाते हैं। अब ससुराल वालों का भी ये फर्ज है कि आने वाली दुल्हन के लिए, आने वाली बहू के लिए, आप सब नए हैं, उसके लिए माहौल नया है, घर नया है, महल्ला नया है, नए लोग हैं, नए चेहरे हैं, नए रिश्ते हैं, उसके लिए सब कुछ नया है। तो आप भी तो उस दुल्हन को, उस बहू को थोड़ा सा वक्त दे सेटल होने में, सबके मिजाज को समझने में और सबका ख्याल रखने में। उसे अपनी बेटी ही समझे, उसके साथ बेटियों वाला सुलूक करे। इसमें शौहर का भी बहुत बड़ा किरदार होता है, शौहर का किरदार बहुत अहमियत रखता है, वो दोनों के बीच कैसा संतुलन और बैलेंस बनाए रखता है। उसे यानी शौहर को किसी एक तरफ झुकना नहीं होता है, वरना माँ का लाडला या जोरू का गुलाम कहलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोनों में से एक टैग तो उसे मिलना ही मिलना है, इसलिए शौहर को दोनों तरफ
बैलेंस रहना चाहिए और दोनों तरफ उसको इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी भी और अपनी बीवी की जिम्मेदारी भी शौहर पर ही होती है। उसे अच्छा बेटा भी बनना है और उसे अच्छा शौहर भी बनना है। अब रही बात के सब कुछ करके देख लिया, माँ बाप को भी कई बार समझा दिया, बीवी को भी कई बार समझा के देख लिया, इंसाफ भी करके देख लिया, डांट के भी देख लिया, प्यार करके भी देख लिया, लेकिन घर के झगड़े हैं कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, घर में आग ज्यादा से ज्यादा भड़कती जा रही है, महाभारत मचा हुआ है। ना बीवी को सुकून है, ना माँ बाप को सुकून है, ना माँ बाप सब्र कर रहे हैं, ना बीवी के अंदर अब हौसला बचा है कि वह आपके माँ बाप को बर्दाश्त कर सके, आपकी बहनों को बर्दाश्त कर सके, उनकी खिदमत कर सके। अब घर जंग का मैदान बन गया है। अब बीवी डिमांड कर रही है कि मुझे अलग रहना है, मुझे अलग घर चाहिए, मुझे अलहदा रिहाइश चाहिए। तो शरीयत बीवी को यह हक देता है, यानी शरीयत ने बीवी को यह हक दिया है कि वो अलग घर की डिमांड कर सकती है। सिर्फ अलग घर की डिमांड की वजह से माँ बाप की खिदमत के नाम पर बीवी को तलाक देना कभी भी जायज नहीं है। ये शौहर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को अलग घर लेकर दे, लेकिन अलग घर लेकर देने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि माँ बाप से ताल्लुकात तोड़ देने की नीयत हो, बल्कि अपने आप को कसूरवार समझकर अलग होना चाहिए, ना कि माँ बाप को कसूरवार समझकर। और अलग होने के बाद शौहर की जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप का भी ख्याल रखे, उनकी खिदमत करे। बीवी को अलग घर लेकर देने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि माँ बाप को भूल जाए, क्योंकि बीवी का घर अलग घर लेकर देना ये अलग मामला है और माँ बाप की खिदमत ये अलग मामला है। बीवी को अलग घर देने से ये कहाँ मतलब निकलता है, कहाँ ये नतीजा निकलता है कि माँ बाप की मोहब्बत में और मेल जोल में शौहर कमी कर दे या बेटा कमी कर दे, इससे इसका ये मतलब हरगिज नहीं निकलता। ऐसे कई यानी कई आपको मिसालें मिल जाएंगी कि बेटा अलग रहता है लेकिन माँ बाप का भरपूर ख्याल रखता है, माँ बाप की खिदमत करता है, माँ बाप के हर बीमारी सिमारी खुशी गम में बराबर का शरीक होता है, माँ बाप का आना जाना लगा रहता है, यानी सब कुछ अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, वरना तू ही अगर ना चाहे तो बहाने हजार है। अब आखिरी बात बीवी के लिए, जो बीवी अलग घर का डिमांड कर रही है उसके लिए जरूरी है कि वो शौहर की हैसियत को समझे, उसकी माली हालत को समझे, उसकी इस्तेदाद उसकी ताकत को समझे। एक तो अलग घर लेने का ये भी दो रास्ते हैं, एक तो उसी घर में किचन अलग कर दिया जाए, बेडरूम अलग कर दिया जाए, टॉयलेट बाथरूम अलग कर दिया जाए अगर गुंजाइश है तो, बीवी की सारी चीजें बीवी के ताबे में हो जाए, जैसे जेवरात कपड़े कीमती सामान के कबर्ड चाबियां वगैरह उसके पास रहे, ये उसी घर में भी हो सकता है अगर गुंजाइश है तो, नहीं तो उसी फ्लोर पे हो सकता है या नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है। दूसरा रास्ता यह है कि शौहर अपनी ताकत अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी की रिहाइश का बंदोबस्त करे, घर का बंदोबस्त करे, और बीवी अलग घर की डिमांड कर सकती है इन सारे मसाइल के बाद, उसके लिए जायज है, लेकिन शौहर की हैसियत से बढ़कर डिमांड नहीं कर सकती, ये उसके लिए जायज नहीं है। और शौहर भी हिकमत से काम ले कि माँ बाप से दूर घर न ले, ताकि वो आसानी से दोनों घर का ख्याल रख सके। हालांकि ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पर बहस करना लड़ना उससे बेहतर है कि सॉल्यूशन पर उसके हल पर फोकस किया जाए। हम सिर्फ बहस करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, ज्वाइंट फैमिली में रहने में क्या हर्ज है, बहुत अच्छा है अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, किसी का हक मारा नहीं जाता, मिलजुल के रह रहे तो इसमें बुराई क्या है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में अक्सर जगह पर किसी एक का हक मारा जाता है, खास करके बाहर से आने वाली पराई बेटी या जो बहू होती है उसके हुकूक को मारा जाता है, उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, उसके ऊपर काम का बोझ लादा जाता है। और ज्वाइंट फैमिली में बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे लोग भी रहते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, दिखने को बहुत खुश नजर आते हैं लेकिन अंदर के मसाइल हमको पता है। बहुत सारे कमेंट करने वाले कहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली अच्छी बात है ना, सब मिलजुल के रहते हैं। भाई ये आपको
आपको कुछ ज्वाइंट फैमिली के बारे में मालूम है, लेकिन हम रोजाना सुनते हैं मसाइल, हमको मालूम है अंदर की क्या बात है। दिखने को सब खूबसूरत लगता है, सब हंसते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर के मसाइल जब वो बयान करना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है, क्या आग लगी हुई है ना। तो अगर सब मिलजुल के रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे खूबसूरत क्या बात हो सकती है। लेकिन जहां पर नामुनासिब हो, जहां पर एक को दबाया जा रहा हो या एक का हक मारा जा रहा हो, नाइंसाफी हो रही हो, तो अगर वो कोई चीज उसके लिए शरीयत ने जायज लिखी है तो फिर उसके लिए वो जायज है, वो करना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।